अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज क्लास टू का पार्ट टू है। पहली हमने आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुजुकी ब्रॉन डब्बे के बारे में, थ्री जो जिसमें तीन कॉइल्स आती हैं, तीन सिलेंडर है बेसिकली तौर पे। उसकी हमने पिछली पार्ट वन में हम बात की थी कि पिन ईसीयू के पिन नोड के बारे में। ईसीयू के पिन नोड के ग्रिप्स दो हैं, ग्रिप ए ग्रिप बी। ग्रिप ए के बारे में हमने बात की थी, वीडियो लंबी हो गई थी तो हमने पार्ट टू पे ग्रिप बी की बात कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पे वो वीडियो नजर आ रही होगी या वीडियो के लास्ट में ग्रिप ए की आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एडब्बा का काम कर रहे हैं तो अगर आपने दोनों ग्रिप्स देखनी है तो आप ग्रिप ए ग्रिप बी देखेंगे तो ताकि पूरी पिन आउट मुकम्मल हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो पहले देखी हुई है तो आज वीडियो दूसरी की ओर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ये ग्रिप बी है जिसमें तकरीबन 60 पिन्स हैं, 60 पिन्स हैं, यानी 60 पिन्स की एक ग्रिप है, क्योंकि ग्रिप ए जो थी वो 44 की थी, अभी ग्रिप बी जो है वो 60 पिन्स की है। तो इसलिए मैंने वीडियो लंबी नहीं की ताकि लोग वीडियोस मुकम्मल ही देखते और आपको मुकम्मल समझ नहीं आती। तो मेरा मकसद है कि आपको बहुत चीज समझानी, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं ताकि मैं ये पूरी कंप्लीट कर लूं, फिर आपको ग्रिप सामने रख के मुकम्मल तौर पर समझा सकेंगे। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में स्कैनर, किसी किस्म का स्कैनर डिवाइस या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्रामर चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी स्कैनर, ज़रूरी नहीं है थिंक डैगो, किसी किस्म का स्कैनर आपको पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में आपको ये मिल जाएगा। जी ये मैं पूरी तरह से इसकी पिन आउट लिख चुका हूं, ठीक है। पिन आउट लिख के समझाने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको जहन में रहे, आप कल को कोई चीज चेक करते हैं तो आपको आपके जहन में रहता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बताना चाह रहा हूं जो मैं शायद मिस हो गया, पिछले पार्ट में भी नहीं बताया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कलर कोड नहीं सेम आ रहे, अगर कलर कोड चेंज आ रहे हैं लेकिन आपकी ग्रिप्स में उतनी पिन है, उस हिसाब से इश्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कलर कोड को छोड़ दें। कहीं दफा ऐसा होता है किसी और कंट्रीज में कलर कोड में डिफरेंस होता है लेकिन पिन सेम होती है, इश्यू सेम होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको नंबरिंग, आपको पहले बताई थी कि इस तरफ से हम एक नंबर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस तरफ से एक नंबर पे स्टार्ट करते हैं, आपने उस हिसाब से वायरिंग को लगा देना, ठीक है। हम टाइम को जाया नहीं करते, जैसे कि आपको बताया था इस तरह आपने ग्रिप्स पकड़नी है, सबसे पहले नंबर वाला एम्प्टी है, ठीक है, वो जेन में नहीं रहा। दूसरे नंबर पर एक चीज और बता दूं कि जो कैडबा का ग्रिप बी है जिसमें 60 पिन्स है, उसमें ज्यादा क्या मसला है कि ग्रीन्स बहुत ज्यादा तार हैं, ग्रीन्स में लाइट भी है, सेम कलर की लाइट भी ग्रीन में है और डार्क भी, तो उस हिसाब से आपने उसको कवर अप करना, ठीक है। ये देखिए डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन में येलो लाइन, ये देखिए डार्क ग्रीन में येलो लाइन का क्या है, पर्ज अर्थ का, ठीक है, पर्ज अर्थ है, ठीक है। तीन नंबर लाइट ग्रीन रेड में पीपी 5 वोल्ट है, ये देखें ये लाइट ग्रीन है, ठीक है, ये लाइट ग्रीन में कौन सी लाइन है, रेड लाइन है। आगे आपको बताता हूं डार्क और लाइट ग्रीन, ठीक है, ये लाइट ग्रीन आ गया, डार्क और लाइट ग्रीन आगे भी आएगी, ठीक है, इसमें ग्रीन में रेड लाइन है तो इसमें लाइट है, अभी डार्क में भी आएगी ग्रीन में रेड लाइट, सॉरी रेड लाइन, ठीक है। चारवा और पांचवा हाली है, चार नंबर पांच नंबर हाली है, छह नंबर अर्थ है, छह नंबर हाली ब्लैक, ब्लैक का मेयार में सबको ही पता होता है अर्थ होती है हर जगह पे, 14 नंबर ब्राउन में ब्लैक इंजेक्टर वन, ब्राउन में ब्लैक इंजेक्टर वन, क्योंकि 15 वाला ग्रिप है, 14 नंबर ब्राउन में ब्लैक इंजेक्टर वन, ठीक है, 15 नंबर हो गया ब्राउन इंजेक्टर टू। हाली आपको पता है ब्राउन किस्म की जो भी वायर होगी वो इंजेक्टर की ज्यादा आएगी, ठीक है, ये हाली ब्राउन इंजेक्टर टू, इंजेक्टर टू, ठीक है। 16 और 17 हाली, एक नंबर मतलब एक
लाइन बिल्कुल फ्री होगी, खाली होगी। 16 और 17 खाली, 18 में लाइट ग्रीन रेड लाइन, ये देखें इधर था, इधर भी लाइट ग्रीन रेड है इस तरह, क्योंकि ये दोनों ये 5 वोल्ट के हैं, 5 वोल्ट, ये मैप को 5 वोल्ट जा रहे हैं, ये टीपी सेंसर को भी 5 वोल्ट जा रहे हैं, इसलिए इसका कलर कोड सेम ही है। आपने उस नंबरिंग के हिसाब से उसको कवर अप करना है, ये मैप सेंसर 5 वोल्ट, ठीक है। अब हो गया ओरिन 19 नंबर, ओरिन में ब्लू लाइन O2 सेंसर, ये ऑक्सीजन सेंसर, ये देखिए इसमें दो आपको वायर एक साथ मिलेंगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए। ये देखिए इसमें ऊपर वो लगी हुई है, यानी प्लास्टिक लगी होती है, ये दो सेंसर वाला, क्योंकि बलून में दो सेंसर वाला ऑक्सीजन सेंसर आता है, ठीक है, दो तारों वाला, ठीक है, ये दो तारे हैं, ठीक है, ये एक साथ ही है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए, ये दोनों तारे व्हाइट में ब्लू, व्हाइट में ब्लू और ऑरेंज में ब्लू, ये दोनों एक साथ में है, यानी ब्लू दारी वाला, यानी ब्लू लाइन वाला ऑक्सीजन में, वैसे भी ये दो तारे एक साथ है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ये ऑक्सीजन की है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की एक तीसरी भी वायर आ रही है, आपने अक्सर का नोट किया होगा कि इसके ऊपर जो कवर अप करने के लिए, कवर करने के लिए एक वायर आती है जो ऊपर इस किस्म की होती है, अर्थिंग की तरह होती है, तो ये तीसरी वायर ऑक्सीजन की, ठीक है, ये अंदर नहीं जाती, उसके अंदर बिल्कुल ग्रिप्स के अंदर नहीं जाती, लेकिन ये ऊपर कवर होती है जो बॉडी के साथ अर्थिंग का काम करती है, ठीक है, ये वो वाली है O2 की कवर, ठीक है। 22 और 23 नंबर एम्प्टी, 22 23 नंबर एम्प्टी खाली, ठीक है। 24 नंबर ग्रीन, डार्क ग्रीन में येलो मैप सिग्नल, मैप सिम सॉरी मुझे लिखते वक्त गलती लगी है, ये लाइट ग्रीन में येलो है, लाइट ग्रीन में येलो मैप सेंसर, मैप सिग्नल है, ठीक है, मैप का सिग्नल। उसके बाद लाइट ग्रीन में व्हाइट, ये लाइट ग्रीन में व्हाइट IAT की सिग्नल की वायर है, ठीक है, लाइट ग्रीन में ब्लैक, ठीक है, ये लाइट ग्रीन में ब्लैक IAT की सिग्नल की वायर है, ठीक है, ग्रे में रेड टीपी सिग्नल टू, ये दूसरी वायर है टीपी सेंसर की, एक इधर आ गई, दूसरी इधर आ गई, ठीक है, ये दूसरी वायर है सिग्नल की, ब्लू में येलो अर्थ टू, यानी सेंसर का अर्थ, ग्रीन में व्हाइट कॉइल नंबर टू, 30 नंबर ब्राउन में व्हाइट इंजेक्टर 3 की, इंजेक्टर 3 की ब्राउन में व्हाइट, G31 और 32, 31 32 दो वायर है अर्थ की ब्लैक, आपको पता ज्यादातर अर्थ की वायर ही इस्तेमाल की जाती है, ये दोनों एक साथ इसलिए ताकि लिख दी कि अर्थ की वायर है, ठीक है। उसके बाद 33 लेकर 50 तक बिल्कुल फ्री है, ये देखें आप भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। उसके बाद 51 आ गई वायर ब्लैक में ब्लू, ये देखिए ब्लैक में ब्लू आ गई, ये चोक की वायर है, ब्लैक में ब्लू चोक की वायर, ठीक है। 52 यानी एम्प्टी, उसके बाद एक नंबर खाली, उसके बाद 53 यानी 53 नंबर ब्राउन है स्पीड मीटर की, ये ब्राउन स्पीड मीटर की, 54 एम्प्टी, ये खाली है बिल्कुल। 55 ब्राउन में केम सेंसर, ये केम सेंसर की वायर है। 56
57, 58 बिल्कुल है, 58 तक खाली है, एम्प्टी, ये भी एम्प्टी है, बाकी दो वाइज रहेगी, ठीक है। 59 ग्रीन में येलो, तीन नंबर कॉयल की, ये तीन नंबर कॉयल की ग्रीन में येलो, ग्रीन में येलो लाइन। 60 नंबर है व्हाइट में ब्लैक, व्हाइट में ब्लैक कॉयल नंबर वन की। ये सारी हमने कवर कर ली, सारी ग्रिप्स को कवर कर लिया, तो अभी मैं आपको टाइम देता हूं ताकि आप इसको इजीली नोट कर लें। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप पार्ट वन करके किसी नोटबुक पे लिख लें, वीडियो को देख के लिख सकते हैं बार बार एक ही चीज, वीडियो को स्लो कर सकते हैं। वीडियो लंबी होती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा था कि पिछले पार्ट में लोगों ने बोला था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो आप थोड़ा सा शॉर्ट करें, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा था। आप इसको नोट कर लें, फिर भी बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट नंबर एम्प्टी, दो नंबर डार्क ग्रीन येलो परचर्थ, तीन नंबर पी लाइट ग्रीन रेड टीपी सेंसर, पांच वोल्ट, चार और पांच खाली है, छह नंबर पे ब्लैक अर्थ, सात से लेकर तेरह तक खाली है, चौदह नंबर ब्राउन ब्लैक, ब्राउन में ब्लैक लाइन इंजेक्टर वन, पंद्रह नंबर में ब्राउन में इंजेक्टर टू, सोलह और सत्रह खाली, अठारह में लाइट ग्रीन में रेड पांच वोल्ट मैप सेंसर, उन्नीस में ऑरेंज ब्लू ब्लू लाइन ऑक्सीजन सेंसर, 20 में व्हाइट में ब्लू ऑक्सीजन सेंसर यानी O2 सेंसर। ये दोनों एक साथ ही आपको पता है मर्ज ही होते हैं, यानी वायर एक साथ ही लगी हुई थी आपको मैं दिखाया। उसके बाद 21 नंबर है ब्लू में येलो, ये ऊपर कवर करने के लिए एक वायर है, ठीक है। 22 और 23 खाली है बिल्कुल। 24 नंबर लाइट ग्रीन में येलो मैप सेंसर की वायर है, 25 में लाइट ग्रीन व्हाइट वाटर टेम्परेचर सेंसर का है, 26 में लाइट ग्रीन ब्लैक है आईएटी सिग्नल का है, 27 में ग्रे में रेड लाइन टीपी सेंसर की है, 28 में ब्लू में येलो अर्थ टू सेंसर की अर्थ है, 29 में ग्रीन में व्हाइट क्वाइल टू की है, ब्राउन में व्हाइट लाइन इंजेक्टर थ्री की है, 31, 32 जो है ब्लैक है बिल्कुल अर्थ है यानी बॉडी अर्थ जो इश्यू को मिलते हैं, 55 नंबर है ब्राउन केम सेंसर सिग्नल है, 56 से लेकर 58 तक खाली है, 59 है ग्रीन में येलो लाइन कॉइल नंबर थ्री की है, 60 नंबर व्हाइट में ब्लैक लाइन है कॉइल नंबर वन। आप आराम से नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, मैं सामने सेट रहा हूं जी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह नोट किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लेने के बाद दुआ में याद रखिएगा।